नमस्कार, मैं हूं पूजा वशिष्ठ और आपने लॉगिन किया है वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। निठारी कांड मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई है। कोहली के अलावा आरोपी मोनिंदर सिंह पंडेर को भी फांसी की सजा सुनाई गई है। इससे पहले सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर पंडेर को गाजियाबाद कोर्ट ने दोषी करार दिया था। कोर्ट ने उन्हें रेप और हत्या की कोशिश का आरोपी पाया था। आपको बता दें कि निठारी कांड से जुड़े 6 मामले में सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। हालांकि साल 2015 में इलाहाबाद कोर्ट ने एक मामले में उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2006 को एक लड़की अचानक गायब हो गई थी, जिसके बाद पूरे निठारी मामले का खुलासा हुआ था। शुरुआती जांच में पता चला था कि 20 जून 2005 को 8 साल की एक बच्ची ज्योति के निठारी इलाके से गायब होने के बाद से बच्ची और लड़कियों के गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की अलग अलग टीमों ने एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 7 मई 2006 को 21 साल की लड़की पायल जब गायब हुई तो पुलिस को अहम सुराग उसके मोबाइल से मिला। पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई, जिसके बाद जब उसमें से एक नंबर पर कॉल की गई तो उसका नाम मोनिंदर सिंह पंडेर का था। उसके बाद जब सख्ती से पूछताछ हुई तो पता चला कि कई युवतियों और बच्चियों के साथ रेप के बाद उन्हें मार कर पंडेर के घर में दफन कर दिया गया था। जिस मामले में अब सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई, साथ ही आरोपी मोनिंदर सिंह पंडेर को भी फांसी की सजा दी गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया और राजनीति से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लॉगिन कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।